और वो भी ट्रायल टेस्टेड और सक्सेसफुल। राहुल गांधी को कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे तंग करते गए, करवाते गए, मिलने चाह रहा दुनिया देखती रही। जब आदमी अच्छा करने की कोशिश कर रहा है तो उसे हम तंग क्यों कर रहे हैं? पप्पू पप्पू पप्पू, अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के एक साल के अंदर में 3 प्रदेशों को, मध्य प्रदेशों को, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश को अपनी किटी में हासिल कर लिया और साबित कर दिया कि पप्पू, और साबित कर दिया कि पप्पू कौन है और सही मायनों में फैकू कौन है। फैका फैकी करते रहे। आज देखो दुनिया भर में, यहां भी देख रहा हूं रांची में अपनी फैमिली है, लेकिन आप ये भी कहें कि दोषी नहीं तो आगे बढ़ दो, आगे कैसे बढ़ते दो। जब तक आप कुछ बातों का सच सच जवाब नहीं दे देंगे तब तक तो मैं आपको दोषी नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। तब तक आपको आप संशय सवालिया निशान के अंदर खड़े रहेंगे। ये मैं बहुत संक्षेप में हल्के समझा दूं, आप सब तो अपने परिवार के हैं यहां पे। रफाल डील जो हुआ है, चंद बातों का सवाल, चंद सवालों का जवाब दे दो। क्या जाता है, क्यों छुपाते हो, क्यों दबा रहे हो, सांच को आज क्या? ऑनेस्टी अच्छी चीज है, ट्रांसपेरेंसी भी अच्छी चीज है, लेकिन ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी का साथ साथ चलना सबसे अच्छी चीज है। ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी यानी सच्चाई और पारदर्शिता का साथ साथ चलना सबसे बेहतर है। आप करो, बता दो आपने कि 3 गुना दाम ज्यादा कैसे हो गया हवाई जहाजों का। आप बता दो कि 126 हवाई जहाजों की बात हुई थी, 36 पे कैसे फैसला कर लिया आपने? आज देश में गठबंधन की, विपक्ष की गठबंधन की रणनीति क्या रंग ला रही है? लोगों की इच्छा और अपेक्षा के अनुसार ऐसे गठबंधन, और खासकर यहाँ भी बिहार में, यूपी में, यहाँ भी जहाँ हमारे पारिवारिक में तो लालू यादव जी हो, कि हमारे दोस्त बाबूलाल मरांडी हो, कि शिबू सरन जी के वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर हेमंत सोरेन हो, या हमारे भाई सुबोध कुमार सहाय हो, और इनकी बहुत जानदार, शानदार और दमदार पार्टी कांग्रेस हो, अगर ये सब आज जुड़ गए हैं जनहित में, राष्ट्रहित में, राष्ट्रप्रेम के साथ, तो आप समझ लीजिए आपका साथ सहयोग मिलेगा। 6 तारीख को ऐसा सबला समा बनेगा कि देखते रह जाएंगे, इनके बखच्चे उड़ जाएंगे, उनके होश उड़ जाएंगे। और जैसा कि हमारी ममता दीदी जो आयरन लेडी है, इतनी लोकप्रिय है, ममता इतनी प्यारी है, न्यारी है, हमारी मित्र भी है, ममता जी जैसा कहती है वो बिल्कुल सच साबित होगा कि एक्सपायरी डेट हो चुका है एनलिस्टमेंट रिक्रूटमेंट आर्मी का। 23 तारीख के बाद कहानी खत्म। 23 तारीख के बाद आप सब जिस तरह से एकजुट होकर जब कह देंगे खामोश, तो फिर खामोश पत्र। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर दबाएं।